फरूख भाई स्मोक भी काफ़ी ज़्यादा है, ये दोस्तों अगर आप देखें तो स्मोक भी काफ़ी है। अच्छा सही, ते हूँ बच्चे इधर आओ थोड़ा जहा बच्चों के बारे थोड़ा दस दौ तुम ये बच्चे तुम छे ने जी मोहम्मद शफीक साहब जी बहुत शुक्रिया मेरे भाई हैं जी माशाल्लाह जी मिर्जा सॉरी नुशहरा विलका से माशाल्लाह बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जी मोहम्मद शफीक साहब बहुत शुक्रिया। शफीक भाई ज़रा मेहरबानी कीजिए मेरी जो पेज है इसको ज़रा लाइक करें शेयर कीजिए ज़रा मेहरबानी। मौसम भाई ज़रा मोबाइल का करना आओ फरूख भाई तुम इधर आओ थोड़ा सा डिटेल के बारे में दसो ना। अच्छा फरूख भाई किन्ने बच्चे इस टाइम छड़े ने डेढ़ सौ बच्चा छड़े। अच्छा तो माशाल्लाह यार सुने कि सनी भाई वालों भी काफ़ी बच्चे आए हैं जी इंशाल्लाह सनी भाई ने भेजे ने ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸੈਟਅਪ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 20-25 ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰਾ ਧੁੰਦੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਰ ਬੰਨੇ ਨੇ ਸਹੀ ਤੇ ਕੁੱਟਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਖਾਈ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਰ ਬੰਨ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਗੈਰ ਬੜੀ ਹੈ। दो बच्चे उधर ने लगन बहुत तंग कर रहे इस टाइम लगन की वजह तू आ चार पांच दिन का स्टे किया हूं भी बच्चे कढ़े ने इन्हां नूं तंग करदे ने तां फिर डक लई गए। अच्छा अच्छा यानी कि लगन वाला बड़ा कर रहे तंग कर रहे हैं सही ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਲਗੜ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਛਾਪੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਾ ਬੱਚੇ ਨਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਫੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਉਧਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਕੋ ਫੜ ਲੇਗੇ ਨੇ ਆ 14-15 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ वो बच्चे दिखाने लगे हैं। कोशिश यही होती है कि कुछ हमारी जो वीडियो है इससे दोस्तों को कुछ सीखने को मिल जाए तो अभी भी मैं आपको वो बच्चे दिखाने लगा हूँ कि जो बच्चे जो बहुत जल्द लाइटों पे लगे हैं तो अभी इनसे पूछेंगे रीज़न क्या है कि क्यों लाइटों पे इतनी जल्दी लगे। जी साहब ये ना डायरेक्ट 9:15 दे कड़े है बच्चे ना पहले शुरू तो आए बच्चे डायरेक्ट जो लाइटां बलदियां ने उदों ही बंदे ने बच्चा एक होर बड़ा मेन लाइटा पर लगा सी हूँ तुम फोड़ दिखाने टांके लाए ने बड़ा जैनवन लाइटा पर लगा नवा नवा शौक है शौक तो हूँ मजीद है 2-1.5 महीने के नवा तैयार किया तो इंशाल्लाह सब तो न्यू है। ये दोस्तों ये बच्चा जी जो पहले दिन से माशाल्लाह लाइटों पे बैठ रहा है
ये दोस्तों मैं अक्सर बताता हूँ ना, कुछ कबूतरों के अंदर भी कुछ एबिलिटी होती है रात को बैठने की। कुछ कबूतरों को हम ट्रेन करते हैं ना रात को लाइटों पे लगाने के लिए, तो कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि कबूतर खुद ब खुद बैठते हैं रात में, तो ये उनमें से एक बच्चा है। तो दोस्तों से गुजारिश है, इसका अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो दोस्त ले लें, माशाल्लाह दोस्तों मज़ा आएगा। कभी इसने कटाई नहीं की। ये वो बच्चा है दोस्तों, ये कबूतर के अंदर, ये वो इस बच्चे के अंदर एबिलिटी है कि इसको लाइटों में लगाने की ज़रूरत नहीं हुई, सुबह उठा है और माशाल्लाह रात को अंधेरे में बैठा है। लाइटों ने कभी भी नहीं कटे। अभी यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग का भी थोड़ा सा बंदोबस्त थोड़ा सा कम है, इंशाल्लाह वो भी 2-3 दिन में अल्लाह खैर करे कंप्लीट हो जाएगा। ये दोस्तों चेक कीजिए, दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस पेज जो नया पेज है इसको ज़रा लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये दोस्तों इसका पार चेक करें, ये ज़रा चेक करें दोस्तों इसके पार माशाल्लाह, और कबूतर का दोस्तों वजूद भी बच्चे का चेक करें माशाल्लाह। ये भी डायरेक्ट लेट हो गया। और ये दोस्तों एक बच्चा है, इसका भाई है, इसी का भाई है माशाल्लाह। ये भी 200 डायरेक्ट लाइटों पे, यानी कि लाइटों पे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आवाज़ ठीक नहीं आ रही मोहम्मद शफीक साहब, मैं दोस्तों अभी चेक करता हूँ आवाज़ क्यों नहीं ठीक है। आ नहीं रही, चेक करो कि तो म्यूट तो नहीं होया। मेरा सिग्नल भी नहीं सही आ रहा। जी दोस्तों जरा बताइए कि आवाज क्लियर है, जरा मैं ताकि जो है ना बहुत कम है। इन्हें हाथ तो नहीं रखे माइक ते? नहीं। फौले पाले फौले। जी दोस्तों आज मैं आपको शौक करवा रहा हूँ माशाल्लाह। जी जनाब, जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का जी माशाल्लाह। जितने दोस्त मुझे देख रहे हैं जी, तमाम दोस्तों भाइयों का मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दोस्तों मैं आपको शौक करवा रहा हूँ माशाल्लाह। ये दोस्तों ये दूसरा उसका भाई है जिसको लाइटों पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसकी दोस्तों आंखों की चमक चेक करें माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा फरूख भाई, इसके जो माँ बाप हैं वो जीरे हैं या इसके? हाँ जी, इसका प्यो जीरा ला रखा है। अच्छा माँ चीनी ले तो माँ चीनी है वो भी ला रखा ली माशाल्लाह, दो भरा ही ला रखा। अच्छा फरूख भाई, अक्सर लोग कहते हैं कि यार जीरियां दा एडा कोई रिजल्ट नहीं आता। इंशाल्लाह जी पहले दिन आ बच्चे लिया के छड़े ने, अगर सामारा नु पता है पहले दिन तो एक लैटा इन्होंने वहाइया नहीं, 2-5-6 दफा 9:30 उड़े ने डायरेक्ट, जिन्हें लैटा बलदियां नहीं उन्हें बहंदे दोवे बच्चे माशाल्लाह। यानी कि जिन्हें लाइटा ऑन करनी है नहीं पैंता, सामने आके थले खड़े हो जाते हैं 3:30-3 बजे लाइटा बल दें, 9:15-9:30 कट दी देने दोनों वजह तू डक लेने। फिर यह बच्चा जी ये घर का बाईपास ने जोड़ा लाया, बाईपास शेरा जोड़ा लाया तो उन्होंने बच्चा जी माशाल्लाह। ये जी शौकर है इनका नाम रखा जी छोटी दुम वाला। छोटी दुम वाला जी, छोटी दुम वाला यह बच्चा भी डायरेक्ट इन्होंने नाल नेरे ते चला गया। ये जो तुम माधी नहीं बैठी है सियालकोट चुई? जी जी बिल्कुल, सियालकोटी माधी ते नाल ओ टैडी कबूतर लगा तो माशाल्लाह। जी मखदूम मखदूम साहब जी बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बत का। ये दोस्तों इनका जी माशाल्लाह बच्चा है जी छोटी दुम वाला माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा इंजन है इस गड़े इस कबूतर में। कोई गाने लिया सर उधर
ਬਸ ਭਾਈ ਜੀ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਬਸ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਹੀ ਕੱਢੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿੰਜ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਛਾਤਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਛਾਤਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਸੈਟ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫਰੂਕ ਬਣਾ ਲਾ ਯਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਪਾਸ਼ਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ ਘੱਟ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਗਲ ਬਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਬੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਭ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਰੂਕ ਭਾਈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬੱਚੇ ਲਾਏ ਹੋ ਸਾਮਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਲਾਏ ਹੋ ਭਾਈ ਸਨੀਰਾਂ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਬੱਚਾ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਉਹ 35-40 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਹਾਨੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਘਰ ਲੱਗਣ ਤੂੰ ਡਰੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਇਹ ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ ਓਹੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬਾਈਪਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰਟ ਜੋੜਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਮਚੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਲਾਲ ਪਰੀ ਮਾਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਕੋਕ ਫੜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਲਗੜ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲਗੜ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਮੱਗਰ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਨਕੇ ਜੀ ਕਮੱਗਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਸ਼ਾ ਕੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਕੇ ਘਰ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਪਾਸ਼ੇ ਰਾਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਮਾ ਰਾਂਕੜਾ ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੌਕ ਕਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਕੋ ਇਸਕੋ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਮਲਕ ਅਦੀਮ ਬਰਡ ਗੈਲਰੀ ਕੋ ਦੋਸਤੋ ਲਾਈਕ ਕੀਜੀਏ ਭਾਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਜੀਏ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਸ਼ੇ ਨੇ ਕਮੱਗਰ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਸਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਣਾ ਇਹ ਭਾਈ ਪਾਸ਼ੇ ਨੇ ਬੜਾ ਖਾਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਇਸਕਾ ਸਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜਿਸਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੂੰ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਚੇਚਾ ਭਾਈ ਪਾਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫੇਰਵਰ ਜੋੜਾ ਭਾਈ ਪਾਸ਼ੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਸਕੋ ਸ਼ੌਕ ਕੀਜੀਏ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਇਸਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਇਸਕੇ ਦੋਸਤੋ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੇ ਔਰ ਇਸਕੋ ਗਰੁੱਪ ਮੇਂ ਸੈਂਡ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਦੋਸਤੋ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮਿਲੇਂਗੇ कि ये एक गीट का बच्चा है बिल्कुल ये देख लें तो माशाल्लाह इन बच्चों से सबसे अथरा और तेज और उड़ान में भी बहुत आला लगड़ लुगड़ मगर लग जाए ना निकल जाता है लगे लगड़ मगर भी लग जाए ना निकल जाता है अच्छा हाँ जी कमी देखो उन्होंने पर लगा उन्हें पर पटिया दहाओ अच्छा एक साइड तो उन्हें पर पटिया उन्होंने लगड़ नहीं फिर भी निकल आता है इतों उन्हें पर पटिया निकल आता है क्या बात बहुत तेज है दोवें भरा ही ना भाई अरे तक अल्लाह का शुक्र है दस दिन हो गए बाहर कढ़ते हैं लेकिन लगड़ अगे 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 जान जगह चढ़ चढ़ के उठते हैं ये दोस्तों एक तारीख का है कि सबसे छोटा बच्चे का मैं शौक कर रहा हूँ कि एक गीत के बराबर है बच्चा मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ चेक करें दोस्तों इसकी एबिलिटी चेक करें वो माशाल्लाह आपको बता दी है कि माशाल्लाह पाशा डोगर साहब इंग्लैंड वाले ये उनके घर की ब्रीड है शौक करें दोस्तों मज़ा आएगा जितने दोस्त जी कमेंट कर रहे हैं जी तमाम दोस्तों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जी और वेलकम करता हूं जी जितने दोस्त मेरे साथ नए टच हो रहे हैं जी ये दोस्तों शौक कीजिए माशाल्लाह ये इस बच्चे की दुम है छोटी सी दुम है और वजूद भी इसका छोटा सा लेकिन हड्डी जो नीचे वो पूरी है ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਪੱਠੇ ਵੱਡੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅੱਛਾ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾ ਭਾਈ ਨੇ ਘਰ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਗਣ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਾੜਿਆ ਜੇ ਇਹ ਲਗਣ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਫੇਰਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਣ ਨੇ ਪਾੜਿਆ ਵੀ ਬੱਚਾ 24 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਗਣ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੰਜੇ ਵੇਖ ਛੱਡ ਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਣ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਦਾ ਤੌਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਵੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਗਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲਗੜੇ ਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਦੋਸਤੋ ਕਮਾਲ ਬੱਚਾ ਕੋ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਦੀ ਕੋ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਾਲ ਮਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਡ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੈਠੀ ये दोस्तों एक मेरे हाथ में एक मादा है ये मादा चेक करें इसका साइज चेक करें ये दोस्तों एक मैं समझता हूँ कि ये आपकी हैरत गुम कर देगी इतनी माशाल्लाह उड़ान की मालक इतनी अच्छी मादा मैंने कम ही कबूतर देखे हैं कि जेठ में दिखाई दे के ये मादी रात रह गई थी माशाल्लाह क्या बात है
इसकी दोस्तों मैं अभी आपको शो करवाता हूँ, जो लोग समझते हैं वो यकीनन इसको मानेंगे भी कि ये माशाल्लाह जेठ में उड़ी है और सुबह सुबह तकरीबन फिर जो आई है छत पे बंद हो गई है, फिर तकरीबन 11:30 बजे जेठ में फिर बैठी है माशाल्लाह। ये दोस्तों इसका शौक करें, मजा आ जाएगा दोस्तों इसका शौक करके, क्या बात है। ये भी दोस्तों इनके घर की मादा है माशाल्लाह। ये दोस्तों इसका पर चेक करें, ये वो पर है कि जो सुबह से लेके शाम तक वैसे ही पर लग मारते हैं परिंदे, कि जो सुबह जाते वक्त पर होता है वो जब आते हैं तब भी वही पर होता है। यकीन करे थकते ही नहीं, मैं ना थकन वाला पर है जी, थकते ही नहीं है, थकन वाला पर है। सामने आई सी जो टूर्नामेंट ही शहर वाला आया, सामने आई सी फिर सुबह अगले दिन आई। अभी भाई पाछे दा फेरबट जोड़ा दमची जिंदी पट। ये दोस्तों इसका चेक करें, पहले एक मिनट ये चेक करें, इसका कुंदे का शौक करें। ये वो पर है जो कभी नहीं थकने वाला, शाम हो जाती है लेकिन ये दोस्त इस मादा के पंजे माशाल्लाह बड़ी कमाल है, बड़ी पसंद आई मुझे। ये भाई सनी, ये जी उस्ताद सनी साहब को पहले जो दिखाया मुझे बड़ा पसंद आया कबूतर माशाल्लाह। ये जी सनी भाई जापान वाले पंजाब चैंपियन, सबका पंजाब चैंपियन है माशाल्लाह जी। ये वहां से जी इनको गिफ्ट मिले माशाल्लाह, पहले ना बड़े पठियां पठे बहुत ज्यादा भेजे हैं। अच्छा हाँ जी भाई सनी यार, माशाल्लाह दोस्तों इसका कुंदे का शौक भी करें। ये कुंदा इसका ये दोस्त इसकी दो में ये दोस्त इसके पंजे खुश्क पंजे हैं दोस्तों। ये दोस्तों बड़ी चीज होती है कमाल की, इसको भी लोग बड़ा नोट करते हैं। माशाल्लाह ये दोस्तों आया कबूतर जी भाई सामा। ये जी उसामा भाई हैं माशाल्लाह, जब से साउथ अफ्रीका से आए हैं तो मेरा ख्याल ब्रीडिंग में इन्होंने, हाँ जी बहुत ब्रीडिंग का बड़ा शौक है इनको माशाल्लाह, बड़े अच्छे इन्होंने ब्रीडर कबूतर बनाए हैं। ये उनका आगे रिजल्ट है माशाल्लाह, क्या बात है। अब आ चल की स्मोक खत्म हो जाएगी, हाँ जी इंशाल्लाह। बहुत परेशान है, ज्यादा यकीन करे बड़े सोने लाने लग पे बच्चे, कुछ बच्चे डर के टुर गए ने, कुछ बच्चों ने जख्मी हो, चंगे बच्चे ज्यादा। ये दोस्तों शौक कीजिए माशाल्लाह, मजा आएगा दोस्तों आज की वीडियो देखे इंशाल्लाह आपको। ये इसके दो ये चेक, ये जी दुबई वाले आगे आगे, ये जी दुबई वाले माशाल्लाह, इनको अक्सर लोग डब वाले भी कहेंगे लेकिन ये इनके पास दुबई वाली ब्रीड है माशाल्लाह। ये कबूतर के पीछे जो वी आपको भी दिखाई देगा, जी बहुत शुक्रिया जनाब इमरान भाई, बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बत का। राजा नवीद साहब जी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, वाकई कमाल है जी,
राणा नवीद साहब जी, जी बिल्कुल जी, बहुत ही आला जी दोस्तों, माशाल्लाह कमाल है दोस्तों। मेरी कोशिश भी यही होती है कि आपको अच्छे से अच्छे परिंदे दिखाए जाएं। तसव्वर अंजम साहब जी, हाँ जी तसव्वर अंजम साहब जी, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का जी। ये दोस्तों इसका शौक करें माशाल्लाह, इसका कुंदे का शौक करें भाई। मेरा हार्ड दे विच है बड़े कुटे ने। अच्छा? पटियां पटे हार्ड च इन्ने को कुटे ने, यकीन करो भाई सामा ने बहुत ज्यादा हार्ड च कुटे ने। इन्हां दा इन्ना को ज्यादा रिजल्ट है ना, क्या बात है, लगे अखां भी लाल ने, लेकिन असीं आने के हुण ही इंज दे चाहिए। अच्छा सामा भाई जी, जी लोकी जो आंदे ने लोकां नूं उड़ान वाले पासे शौक आंदा, तुहानूं ब्रीडिंग वाले पासे आ गया? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था ना, तो इस वजह से मैं सिर्फ वीडियो कॉल करके अपने ब्रीडिंग के कबूतर रोजाना देखता था। अच्छा, क्योंकि मैं ओवरसीज था इस वजह से, तो ब्रीडिंग का शौक है मुझे इस वजह से, आगे उड़ाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अभी भी मैंने इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ वापस चले जाना है, तो फिर बाकी जो भी है सारा स्टाफ सुरूप के पास है, इन्होंने उड़ाना है जो भी करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बड़े अच्छे परिंदे बनाए हैं। थैंक यू, माशाल्लाह मज़ा आ गया। ये सारे परिंदे जी लाहौर से राणा इमरान साहब हैं, उस्ताद राणा इमरान, जो कि सात चांद महल के शागिर्द हैं, ये उनकी तरफ से आए हुए हैं और उनकी ब्रीड से मैंने आगे ब्रीड क्रॉस ने चलाई हुई है, और हमारे पास बहुत अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह। अच्छा ये एक और परिंदा है, ये भी आप शौक करें जी। अच्छा उसामा भाई, बड़े आपने क्रॉस में कबूतर लगाए हैं। जी जी, क्या वजह है? वजह ये थी कि मैंने जब बाय किए ना ये सारे कबूतर, हाँ जी, मुझे ये था कि हमने बाजियाँ उड़ानी है, सेल तो करने नहीं है। अच्छा, तो मोस्टली मैंने यही किया कि क्रॉस ब्रीड लगाई है। अगर सियालकोटी नार है तो उसके साथ टैडी मादी या कमगर मादी, और कमगर है तो उसके साथ भी टैडी क्रॉस, कोई भी मैंने ये कोशिश नहीं की कि ओरिजिनल बना लूँ या उड़ाने वाले। अभी मैंने लास्ट टाइम उस्ताद अभी मुगल साहब से उनके नीले कमगर लिए, माशाल्लाह उनका बड़ा रिजल्ट है जी, और उनको मैंने ये नहीं किया कि लगा के इनकी ब्रीड अपने पास सेव कर लूँ, नहीं, मैंने क्रॉस में लगा के उनका रिजल्ट लिया। ये जो आपने फर्स्ट मादा देखी है 19 नंबर, ये भी माशाल्लाह उसी ब्रीड में से चल रही है। मैं बाकी आप इंजॉय करें जी। अच्छा उसामा भाई जी, जी सारे कितने पेड़ हैं जो घर में आपने लगाए हुए हैं? राउंड बाउंड 30-35 होंगे सारे, सब क्रॉसमिंग सारे वो लगाए भी हैं प्योर ब्रीड। जस्ट दो पेयर हैं जो मैंने ओरिजिनल लगाए हैं, उसमें अमामदीन पेयर है और एक टैडी पेयर है, बाकी टोटली जो है वो क्रॉस में लगे हुए हैं। अच्छा क्रॉस में रिजल्ट किसका सबसे ज्यादा अच्छा है? सारे अच्छे हैं लेकिन, जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे हैं, लेकिन कमगद का जो 35 मतलब सियालकोटी है ना, उनके साथ मुझे ज्यादा रिजल्ट नजर आया, क्योंकि उनमें जो गुम होने की रेशो है ना बहुत कम है। अभी ये आप जो दुबई वाले देख रहे हैं, ये भी डाव वाला नार है और इसके साथ टैडी मादी लगी हुई है, इनका भी माशाल्लाह से बड़ा रिजल्ट है जी। अच्छा जाया होना में सबसे ज्यादा कम कौन से जाया होते हैं? जाया तो तकरीबन सारी बात है, सारे होते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कोई भी कबूतर गलत नहीं है, थोड़ा सा कोई भी ब्रीड है उसको क्रॉस में लगाएं, मेरा कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बस मैंने यही किया कि जो भी ब्रीड है ना, दो डिफरेंट ब्रीड्स उनको इकट्ठा किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट अच्छा है। बाकी जिसका नहीं आया उसको फिर क्रॉस तोड़ दिया जोड़े को, नया जोड़ा लगा दिया, इस तरह से चल रहा है अभी भी प्रोसीजर तो। जी अच्छा जोड़ा लगाने का सिस्टम जो है सिलसिला में कितनी देर में सीख लिया? जोड़ा लगाने का कोई मेरा एक्सपीरियंस नहीं जी, मैंने सिर्फ इतनी कोशिश की है जो अच्छा नार मुझे लगा है या मेल लगी है उनको छोड़ दिया, दो नार या दो तीन नार मादियों को, तो जो भी लग जाए तो फिर उनका रिजल्ट उड़ा के लिया है प्रैक्टिकल करके। ये नहीं की कि अभी ये मैंने जोड़ा लगा दिया ये 100% बच्चे उड़ाएगा नहीं उड़ाएगा, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता। बाकी कुछ इमरान भाई हैं वो भी चक्कर लगाते रहते हैं, उन्होंने लगाए हैं, तो बाकी कोई भाई पाशा जो इंग्लैंड में है मौजूद, तो उनकी इन्फॉर्मेशन से वीडियो कॉल पर बात हो जाती है, फिर और दोस्त भी हमारे पास चक्कर लगाते रहते हैं, हर किसी की राय से चल रहा है माशाल्लाह, मशावरत से काम। जी जी दोस्तों की मशावरत से चल रहा है। अच्छा कोई ऐसे जोड़े भी बनाए कि यार अगर किसी को बचा दिया जी जी तो कह देंगे यार इन्हें दो दिन बाद छाड़ दो तो गिर जाएगा? नहीं अदीम भाई, मैंने किसी को अभी तक बच्चा दिया ही नहीं है और ना ये गारंटी दी है, खुद ही अपनी छत पे उड़ाते हैं, इधर ही रिजल्ट लेते हैं, क्योंकि इधर ही पूरे नहीं होते। देखो यार दोस्त को बंदा देना पड़ता है ना, यही बात है ना, उसको अगर देना है तो उसको यही दूंगा कि ये ब्रीडर कबूतर है या नार है या फीमेल है, ये आप दे दें। अच्छा जी, मोस्टली अभी तक बच्चा किसी को नहीं, किसी दोस्त को राजी करांगे तो कोई 19 नंबर देंगे या एक दुबई वाला देंगे इंशाल्लाह, याद करें असी ओ भाई सामने पता की कीता है, बच्चों की बाधी पारू एक एक जोड़े के 6-6 बच्चे कढ़ाए ने, एक एक जोड़े दे 6-6 बच्चे, मिसाल तौर पर आंडे बदल बदल के साढ़े ए अगे सामा वाले भाई पाशी वाले घर के जोड़े बच्चे अगे आ जा, ज्यादा बच्चे ज्यादा इतने घर के ही ने या भाई सनीर कले ने? सही माशाल्लाह। अच्छा उड़ान दे विच सब तो ज्यादा रिजल्ट किने जोड़े दा आया जी तुहाडे कोल? इस वक्त जी हमारे पास जो दुबई वाले हैं ना उनका सबसे ज्यादा रिजल्ट अच्छा है जी,
क्योंकि हमने लास्ट चैतर में बच्चा उड़ाया था तो हमारे पास हर फड़क में मोस्टली वो 7 बजे 6:30 बजे 5 बजे लास्ट वही बैठता रहे, वो तकरीबन 3 से 4 पार का था। आपको उसका शौक भी करवा देते दुबई वाली पट्टी है ना, ये डबल कड़ी वाली वो खड़े तो आपको उसका शौक करवाते हैं, इंशाल्लाह पसंद आएगा। मेरे कुछ दोस्त हैं वो देखते हैं, वो कहते हैं इस चीज़ को कि ये बहुत गहरी आँख में है, इनको थोड़ा हल्का करें ये वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इनका रिजल्ट आ रहा है जी, तो इसलिए मैंने जोड़े को कुछ भी नहीं किया, वैसे का वैसे ही है। तो ना ही आगे इनका इनका एक पट्ठा बना था फुल जालदार कलर में, ओरिजिनल डब वाला कलर बन गया था, उसको सिर्फ ब्रीडिंग में लगाया, उसके अलावा सभी उड़ रहे हैं। अच्छा रिजल्ट है इस नर का भी जी, ये इसका कंप्लीट कलर है, अभी गोल किया तो करें क्योंकि अभी पटाई होगी इंशाल्लाह तो फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया ये जी वो दुबई वाली पट्टी आ गई है जिसका मैं कह रहा था कि 7 बजे तक उड़ी है हमारे पास। ये जी जी दोस्तों जी वेलकम हो गया दोबारा जी। असल में थोड़ा सा ना वो नेट यहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला आ रहा है। तो जनाब वार इमरान साहब जी बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, जितने दोस्तों ने कमेंट्स किए हैं, लाइक किया, शेयर किया जी, तमाम दोस्तों भाइयों का जी एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो दोस्तों आज मैं बताता चलूँ कि ये मेरे बड़े भाई जनाब पाशा डोगर इंग्लैंड हाल मुकीम इंग्लैंड, उनकी छत से आपको उनके जो अच्छे कबूतर हैं उनका जी शौक करवा रहा हूँ जी। प्यारे भाई जी ये जी है जी दुबई वाली ब्रीड, ये पट्टी हमारे पास बच्चा तकरीबन 4 पर का था, तो 7 बजे 5 बजे 6 बजे की इसका टाइमिंग रहा है, सुबह 6:30 बजे 7 बजे उड़ाने से। अभी ये तकरीबन इस असू में 10 साफ हुई है पट्टी ए पर खुल। ये जिसके पार का शौक करें आप लोग जी माशाल्लाह। ये जो भी है जी आपके सामने है, क्या बात है, मे भी किसी को पसंद आए मे भी ना आए, लेकिन हमारे पास माशाल्लाह से ये रिजल्टेड हैं जी। दें जी ये ये जी भाई पाशे के घर पेयर है, माशाल्लाह से भाई पाशे का बड़ा फेवरेट पेयर है। तो ये बच्चा है अभी तकरीबन 7 पर का है, तो हार्ड में इसकी मैंने परवाजें ली थी, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिजल्ट है, एंडी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये ब्रीड और वो दुबई वाले ये सेम इस तरह इस तरह ये जो बच्चा भाई जी साहब इन्होंने नहीं पाड़िया। हां जी पासे दे घर दी ब्रीड है आईडी दमचीर है, नेक्स्ट टाइम अगर इंदे बन गया तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इना ते बड़ा यकीन और बड़े दर्रा जी। सही अभी भी हमारे पास वो दमचीर पट्ठा एक फिर रहा है, तो कोशिश है कि इंशाल्लाह वो चेतर में बाजियों में आएगा अगर ये किसी मसले मसाइल से या बीमारी से बचा रहा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। ये जी ये चीज है ये साहब वाली टैडन, ये जी बड़े हमारे प्यार वाले भाई हैं उस्ताद वहीद साहब, माशाल्लाह से वही हमारा इधर पीछे शौक करते हैं, जो भी है उनकी वजह से ये अभी तक कायम है कबूतरबाजी हमारी, क्योंकि भाई पाशा भी ओवरसीज हैं और मैं भी ओवरसीज हूँ, जिसकी वजह से पीछे देखभाल के लिए उस्ताद वहीद और उस्ताद फरूक मौजूद होते हैं। ये जी उनका फेवरेट पेयर है, उसकी एक पट्टी है जी दिखाएं, ये पट्टी जी जोड़ों में नहीं है उड़ने के लिए, ये भी हमारी वो दुबई वाली पट्टी के साथ बैठती रही है माशाल्लाह से चेतर में और बाजी में भी उड़ाई गई थी, स्टैंप ले के बैठी हुई है, बहुत अच्छा रिजल्ट है जी। ये जी इसका कुंदा है, चेक करें जी इंशाल्लाह पसंद आएगा, सभी को पसंद आएगा, देखें जी ये जी इसका पंजा है और ये इसका कंप्लीट कलर है माशाल्लाह, और ये भी घर की पट्टी है जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये दोस्तों बड़ा प्यारा सेटअप है, और ये सबसे जो बड़ी बात है ये सिटिंग वाला जो सिस्टम है ना इन्होंने, यानी कि कबूतरों के हमारे बैठने वाला इंतजाम है मेहमानों का। शोपरा से हाजी बाजवा साहब है माशाल्लाह जी, हाजी बाजवा साहब की ये घर की ब्रीड है, उन्होंने हमें बच्चे दिए हैं, बहुत ज्यादा रिजल्ट है। माशाल्लाह भाई पाशे ने सानू शौक कराता से माशाल्लाह जी, जिस तरह क्या है भाई यकीन करे उस रे क्या बात है, सारे उन्होंने तलक ना बचे है ना माशाल्लाह, कोई बच्चा नहीं खरीदा
उड़न जो रिजल्ट कैसा रहा? बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा डके है जी बच्चा। ऐ हाजी साहब ने सानू दिते ने 28 बच्चे। अच्छा 28 बच्चे, 28 बच्चे हाजी साहब हाजी बाजवा साहब दिते ने, ते जिंदे विचों 10-12 बच्चे असी डक लेने, बाकी बच्चे छोटे ने उन्होंने बन के छड़े। सही भाई, पाछे दे बड़े अच्छे दोस्त ने, और यकीन करो जदों उन्होंने बच्चे पलदे ने इत्थे भेज देंगे। नहीं माशाल्लाह जी, हाजी साहब बहुत नेचर दे अच्छे बंदे ने। हाजी साहब की शफकत है हमारे साथ। ये तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि बच्चे निकाल के किसी को फ्री दे देना। फ्री देना बिल्कुल जी। हम बड़े मशकूर हैं जी हाजी साहब के, और ये हाजी साहब हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं। आपकी रहनुमाई हमारे लिए बहुत काफी है जी। हाँ जी, और हाजी साहब के साथ साथ उनके कुछ दोस्त हैं, वो भी आते हैं छत पे, हम भी उनके भी शुक्रगुजार हैं कि वो भी हमारे साथ तावन कर रहे हैं माशाल्लाह से, जिस तरह से उनसे हो सकता है। लेकिन बच्चा उड़न लगे। ये जी चेक करें एक और पैर, पैर का पट्टा है हमारा। हाँ जी आ रहे जी, जी ये चेक करें जी, ये माशाल्लाह ये भी घर का पट्टा है जी माशाल्लाह से, और पक्का है हमारी छत पे और अच्छा रिजल्ट दे रहा है। ये देखें ये इसका कलर है कंप्लीट। मलक अदीम बर्ड गैलरी, ये जी इसके पंजे, ये इसका पार है जी। ये लें जी, ये भी मेरे प्यार वाले इमरान भाई लाहौर से, उनके घर से आए हुए हैं सारे जी, उनके बच्चे हैं ये ब्रीड सारी चल रही मेरे पास माशाल्लाह। ये जी माशाल्लाह, ये माशाल्लाह जी 200, मज़ा आ रहा होगा यकीनन आपको। तो 200 से गुजारिश है मेरे इस पेज को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि जो मेरा जो न्यू पेज है, ताकि दोस्तों तक जो दो जो नए शौकीन हैं उन तक जो मेरा पेज है वो पहुंच सके जी। ये दोस्तों अभी जी पंजाब का बहुत बड़ा नाम जना वकार गुज्जर साहब, उस्ताद राजा काका साहब के शागिर्द हैं, निसार भाई भाई पाशे के दोस्त हैं, उन्होंने हमें बहुत बच्चे दिए हैं, ये भी उन्होंने हमें गिफ्ट दी है कि जोड़े लगा लो। अच्छा ये स्पेशल जोड़े के लिए जी जी, ये भाई निसार और वकार गुज्जर ने हमें काफी कबूतर भेजे हैं, तो ये उनके घर की ब्रीड है माशाल्लाह जी। थोड़ी ठीक, मलक अदीम बर्ड गैलरी जी जी, बेहतर हो गया जी। जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो, सब तो पहले जेठ चमादी नहीं, वाह सलाम, हाँ जी हेलो हेलो, मैं भाई बरारा ले आ, लाइव हाँ, तो मैं आ जाना 10-15 मिनट दे इंशाल्लाह, चलो मैं आ जाना सर जी। भाई जान ये साद हाकम है माना वाले से, उनके घर से आया हुआ बच्चा है। अच्छा मलक हाकम साहब, माशाल्लाह साद हाकम माना वाला जी, सही उनके घर से आया हुआ, अभी 10 लेस हो गया जी माशाल्लाह। हमारा अंधेरे का भी पक्का है और वैसे भी बड़ा अच्छा माशाल्लाह, बड़ा कमाल है, और उनका भी तावन हमारे साथ है। नार है ये, आई थिंक पट्टा ही है। अच्छा कंफर्म नहीं है अभी। अच्छा जी कंफर्म नहीं है, तो बड़ा अच्छा उड़ा है माशाल्लाह से। उन्होंने 5 बच्चे भेजे, उनमें से एक जाया हुआ है, 4 जो है ना वो हमारे साथ पास मौजूद हैं और अच्छे उड़े हुए हैं। सही माशाल्लाह। अभी आपको कुछ ब्रीडर कबूतरों का शौक करवा देते हैं। जी दोस्तों अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपके साथ ना रस्म उस्तादी शिगिरदी प्रोग्राम है, पंजाब का बहुत बड़ा नाम जनाब उस्ताद डॉक्टर गनी, उस ग्रुप के ज़ेरे तमाम जनाब आज की रस्म उस्तादी शिगिरदी की तकरीब हो रही है इंशाल्लाह। अभी थोड़ी देर में यहाँ से फारिग होकर वहाँ से लाइव भी होंगे इंशाल्लाह। ये जी हमारा एक ब्रीडर नार है, जो पहले आपको टेढ़ी पट्टी दिखाई है, इसी की है माशाल्लाह। ये चेक करें जी, ये लाहौर से यासिन भाई हैं, उनकी तरफ से आया हुआ है हमारे पास। अच्छा, और बड़ा आला रिजल्ट है जी। कुंदे का शौक कर लें, लेकिन ये है कि पार इसके कटे हुए हैं, बाकी फिर भी ये है सीन जी सारा। रूम इसकी खुली है,
आपके सामने है, लेकिन रिजल्ट माशाल्लाह अच्छा है इसका। माशाल्लाह अच्छा, चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी हैं आपके पास। अच्छी बस मौजूद है दोस्तों की वजह से, भाइयों की वजह से, जो हम पे ट्रस्ट करते हैं और हमारे पास भेज देते हैं, शुक्र गुजार हैं। आपको एक और मगर पट्टे का स्टॉक करवाता हूँ दोस्तों। माशाल्लाह इनके पास ये कुछ परिंदे हैं उड़ने वाले, ये वाले अभी तो भाई वो दूसरी तरफ गए हैं, तो मैं कुछ परिंदों का आपको शौक करवाता हूँ। ये वो परिंदे दोस्तों, मैं समझता हूँ कि इस नर है, ये सिर्फ मादा थोड़ी सी उधर है। ये दोस्तों इनकी सारी मलाई है, जो कहते हैं ना एक इनका जो मुकम्मल नचोड़ है कबूतरबाजी का, ये माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जी इनकी मलाई है। ये माशाल्लाह जी इनके बहुत ही अच्छे परिंदे हैं जी। वेलकम हो गया जनाब पाशा भाई, कैसे हैं जनाब? तबीयत से ठीक है जी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाशा भाई आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात का बड़ा ही करम है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी कमाल हो गया जी। जी पाशा डोगर साहब भी इस वक्त मेरे साथ हैं, ये दोस्तों चेक करें माशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि अल्लाह के फजल व करम से अगले दो तीन सीज़न तक माशाल्लाह बड़े अच्छे परिंदे बन गए। ये दोस्तों एक कबूतर देखने वाला है, एक यहाँ पे वो पाशा भाई को बहुत पसंद था कबूतर, वो भी मुझे बड़ा पसंद आया। ये दोस्तों चेक करें माशाल्लाह, और ये चेक करें माशाल्लाह दोस्तों, एक से बढ़कर एक परिंदे यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, एक से बढ़कर एक परिंदा है माशाल्लाह, कमाल के परिंदे। कोई इक्का दुक्का परिंदा होगा मेरा ख्याल जो 12 बजे से पहले का होगा माशाल्लाह, बाकी जितने भी यहाँ पे परिंदे, ये देखिए ये सामने वाला परिंदा कमाल है, कबूतर का खड़े होने का स्टाइल कमाल है। ये चेक करें, माशाल्लाह जी हाँ जी, ऊपर लिखे भी मैं जी। यासिन जट साहब जी वेलकम हो गया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जी जनाब यासिन जट साहब, और शाहिद गुजर साहब बहुत शुक्रिया जी। सरदार जी मेरे बड़े भाई जनाब सरदार अली फिजान यानी कि सरदार इमरान डोगर साहब खानपुर से, माशाल्लाह बड़ा अच्छा शौक है जी इनका भी जी। इमरान भाई माशाल्लाह जी बिल्कुल बहुत अच्छे और नायाब कबूतर हैं, एक से बढ़कर एक कबूतर। मैंने सबका शौक किया वीडियो चलाने से पहले, मज़ा आया इन कबूतरों का शौक करते हुए। इनमें माशाल्लाह सियालकोटी भी हैं, ये खास तौर पे ये जो दुबई वाले कबूतर हैं ना, ये 200 शौकर हैं, इनका रिजल्ट बड़ा आला है इनके पास। कबूतर तो बड़े बड़े हैं माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक है। ये अगर गोल्डन कबूतर मैं आपको दिखाऊं, इस कबूतर का मैंने शौक नहीं किया, अभी इसका भी शौक करवा, ए कबूतर का जरा शौक करवाना, यह तो मगे क्या कबूतर का शौक करवाना। ये दोस्तों अभी गोल्डन कबूतर का, इस कबूतर का मैं शौक करवा लूँगा जी। भाई सनी था जी, अच्छा माशाल्लाह अभी भाई सनी ने भेजा। ये जी पीली पलकों वाले गोल्डन है माशाल्लाह, पिछले विसाख ना बाजियां टूटे है। अच्छा माशाल्लाह, हाँ जी भाई सनी आए पट्टियां पट्टे पहले भेजी सी। अच्छा अच्छा जी, राणा मकसूद साहब जी, राणा मकसूद अहमद साहब जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया जनाब, जजाकल्ला जी। जो दोस्त वीडियो को लाइक करें जी, तमाम दोस्तों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी राणा नवी साहब गोल्डन कबूतर आ गया, वो भी माशाल्लाह कमाल का, चेक करें दोस्तों कमाल है। ये चेक करें, दोबारा कुंदा खोले ना इसका जरा, बड़ा खूबसूरत और नयाब कबूतर है माशाल्लाह दोस्तों, कुंदा चेक करें इसका माशाल्लाह। ये पिछले साल बैसाख में इनके पास बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा है। ये दोस्तों वो चाहता है जो पिछले साल ना बैसाख जेट का स्टार्टिंग थी, मेरा ख्याल आई थिंक जेठ यकम जेठ हो गई या दो तीन जेठ हो गए,
तब थोड़ा सा मिसअप हो गया कि बादल पड़ गया, यहाँ पे ओले भी पड़े, इवन कि यहाँ पे बड़ा तूफान भी आया, और जिसकी वजह से इनके 4 के 5 परिंदे जो वो नहीं थे बैठे। तो अगर वो बैठ जाते उसी वक्त भी जिस वक्त वो बादल या तूफान आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त ये चैम्पियन थे ज़िला शेखपुरा ननकाना साहब के। माशाल्लाह ये दोस्तों शौक कीजिए, माशाल्लाह मज़ा आएगा दोस्तों आपको शौक करके। अच्छा थानू भाई इन्हें उड़न दे मज़ेदार कबूतर कड़ा लगता है जोड़ा बहुत मज़ा थोड़ा देता यार, के चलो उड़ता भावें घट हो लेकिन कबूतर मज़ा जो पसंद हो। बहुत पसंद है जी राणा मकसूद साहब, राणा मसूद साहब सॉरी, जजाकला जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी इमरान भाई माशाल्लाह जी इनके पास बड़े अच्छे परिंदे हैं जी, और बहुत ही अच्छे परिंदे हैं माशाल्लाह, और माशाल्लाह जितने इनके पास परिंदे अच्छे हैं उतने माशाल्लाह पाशा डोगर साहब आप खुद भी अच्छे हैं। तो अच्छा अच्छा ये 29 नंबर और 23 नंबर है जी जनाब राणा मसूद साहब जी, कमालिया से इस वक्त मेरे साथ हैं जी, और साजद अली साहब जी, मलक साहब क्या हाल हैं जी, साजद विरक नुशहरा विरका से जी मेरे साथ जी, साजद विरक साहब हैं जी नुशहरा विरका से, बहुत बहुत शुक्रिया जी साजद अली साहब जी। ये 200 शौक कीजिए माशाल्लाह। ये 200 कुंदा चेक करें, कमाल हो गया जी पूरा कुंदा खोल दिया माशाल्लाह, पर के ऊपर पर थोड़ा सा आगे होकर थोड़ा सा पर के ये अब पर का शौक करें। ये 200 शौक कीजिए, दो पर सैयद साहब जी, शाजिर साहब जी, सैयद शाजिर साहब जी जोड़ों का मैंने पहले शौक करवा दिया, पीछे थोड़ा सा वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पे जोड़ों का भी मैंने शौक करवाया है, थोड़ा सा वीडियो को पहले देखेंगे ना। हाँ जी फिरो तनवीर भाई कह रहे हैं कि जी फिरोजपुरी भी दिखाएं पाशा भाई, हाँ जी फिरोजपुरी भी आए, फिरोजपुरी दिखाया जी, एक बड़ा शौक करवाओ हाँ जौन सरे का कार्नर वाला कबूतर कार्नर अच्छा, ये वही है मामदीन में से जी, फेवरेट जी, फेवरेट जी, फेवरेट है। शकील भट्ट साहब जी जजाकल्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई। उस्तादी शिकिरदी प्रोग्राम शुरू होने वाला है, काल आ गई उधर बस फिरोजपुरी देख लो जी, माशाल्लाह सब तो पहला कबूतरी रात नहीं रही, हां हां थले दोवे बच्चे भले सी, अच्छा वो जेडी तुसी कबूतरी जेड़ च रात रह गई है, अच्छा अच्छा वो 19 नंबर जोड़ा है ते 19 नंबर दे दोवे बच्चे मैं लेंदे ने, अच्छा अच्छा हुन ले आ के छड्डे ने, अच्छा अच्छा इना दे 6 भैन भरा बच्चे कढाए ने, दो अगे प्रवादी चढ़ गए ने, दो है जे दो मगर अजकल कबूतर केड़ी को खुराक जेड़ा को गरम दाना जेड़ा थोड़ा जा दस दियो, पानी बनाने गरम पानी बनाने नाल बेहतर है कि अजकल 10-15
ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਭੋਰੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਕਿ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਹਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਲਓ ਠਾਪੇ ਮਾਰਨ ਠਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਭੋਰੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਪਨਸਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ 10-10 12-12 ਭੋਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਨੇ ਬਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਦੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਭੈਰੇ ਹਾਂ ਹਾਂ 10 ਛੁਆਰੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸੁੰਡ ਅੱਛਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਓ ਬਸ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਸਈਦ ਸ਼ਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ਔਰ ਜੋ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨੁਸਖਾ ਪੁੱਛਾ ਥਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਿਪ ਪੁੱਛੀ ਥੀ ਉਹ ਵੀ ਬਤਾ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਔਰ ਮੌਲਾ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ਤੇ ਦੇ ਜੀ ਆਪਕੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਦੁਆਏ ਵੀ ਦੀ ਹੈ ਸਈਦ ਜ਼ਾਦੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਨਕੀ ਦੁਆਏ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਜੀ ਇਹ ਦੋਸਤ ਅਭੀ ਦੋ ਲਾਸਟ ਪੇਅਰ ਦਿਖਾਣੇ ਇੱਕ ਵੋ ਲਾਲ ਅੰਖ ਵਾਲੀ ਮਾਦੀ ਦਿਖਾਈ ਥੀ ਐਂਡ ਪੇ ਵੋ ਸਿਰਫ ਉਸਕਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹ ਜੀ ਮਾਰਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਕਾ ਪੱਠੀ ਪੱਠਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਪੇਅਰ ਕੀ ਪੱਠੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸਕਾ ਪਾਰ ਹੈ ਜੀ ये जिसका कलर है कंप्लीट अच्छा माशाल्लाह ये क्या बात आपको इसका फीमेल भी चेक करवाते हैं जी जी फजल मनान साहब जी ठीक हो गया जी बहुत शुक्रिया जजाकल्ला जी ये जी इसका मेल है और ओरिजिनल पेयर ही लगाया हुआ है ताकि इसकी ब्रीड हम बढ़ा सकें दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस पेज को लाइक करें और शेयर करें ताकि जो उन दोस्तों ने मेरा पेज नहीं लाइक किया वो इस पेज को लाइक करें इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी इंशाल्लाह अच्छे उस्तादों के इंटरव्यूज़ और बहुत सारी टिप इस तरह की मिलती चलेंगी इंशाल्लाह तो मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे पेज को इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ये दोस्तों ये इनके कुछ ब्रीडर कबूतर हैं ये जी हमारे पास ये भी एक पेयर है लाहौर से उस्ताद राना इमरान अच्छा इमरान भाई जी ये उनकी तरफ से आया हुआ है ये फीमेल है इसकी पेयर की ये जी ये उनकी डायमंड ब्रीड है उसमें से है जी ये इसका कंप्लीट कलर है और पर तो कटे हुए हैं बाकी ये ले जिस भाई को शौक है शौक तो फिर करना है ना जी बिल्कुल जी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं जी इसका मेल भी आपको शौक करवाते हैं जी सैयद साहब ने जी कहा जी कि बच्चों का शौक करवा दें तो ये 19 नंबर है जी ये जी सबसे फेवरेट ये जी वो मादा है जो मैंने सबसे पहले बताई थी ना कि ये चैंपियन मादा है जो अगले दिन जेठ में बैठी थी ये माशाल्लाह जी कमाल किया माशाल्लाह ये भी जी हमारा पेयर है 19 नंबर बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका जो मेल है वो उस्ताद हबीब मुगल वाले नीले हैं जी और फीमेल जो है वो भाई इमरान की जंगली ब्रीड में से है और रिजल्ट जो है वो 100% है जी माशाल्लाह से माशाल्लाह ये जी एक मेल है उसी फीमेल का डायमंड ब्रीड से भाई इमरान का उनकी तरफ से आया हुआ है जी चेक करें जी माशाल्लाह जी बिल्कुल जी पाशा जी बिल्कुल मैंने शौक किया माशाल्लाह मैं कह रहा हूँ कि पूरा कोर्स कर लिया इन्होंने ब्रीडिंग के मामले में उसामा भाई ने मैं आगे कह रहा था इनको
कि माशाल्लाह जी बड़ा जल्दी इन्होंने सीखे हैं जोड़ों लगाने हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल काम है जोड़े बनाना। कबूतर तो हर किसी के पास अच्छे होते हैं, लेकिन उनका जो फन है जोड़ा लगाने का, ये किसी के पास होता है। हाँ जी, इको तो शौक रहा फिर चलिए, क्योंकि फिर टाइम ही काफ़ी हो गया और टेलीफोन आ गया उन्होंने। जी जी बिल्कुल, जज़ाकअल्लाह, आप लोगों ने टाइम दिया मेरी। ये हमारी अपनी छाता है, दोस्तों का भी शुक्रिया जी जिन्होंने हमें। एक चपटा जोड़ा लगा, ये भी चेक करें जी महाराज, एक चपटा जोड़ा लगा, चपड़ा जोड़ा है। हाँ जी, बड़े बड़े बच्चे हों दे जी, मज़ा आएगा दोस्तों जो बच्चा देखन दे। फरूक भाई, की वजह है इस बच्चे दे, की खासियत है जी? बहुत ज्यादा जी, ग्रंटर है जी, मतलब इन्हें नहीं नसना। ठीक हो गया, ये दोस्त से चपड़े के पंजे चेक कर ले, फिंगर हटा ना। उसी भैन भरा वड्डे, इन्हां दे भैन भरा देखे ना। माशाल्लाह जी। दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपको रस्म उस्तादी शगिर्दी प्रोग्राम। आज ही उस्ताद अब्दुल गफूर साहब शगिर्द करने जा रहे हैं जनाब बाबा शाहद हैं जी खारेवाला से, माशाल्लाह बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और चैम्पियन भी हैं, तो वो शगिर्द होने जा रहे हैं जी और उस्ताद अब्दुल गफूर साहब फरुखाबाद से उनके जी। तो अभी हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह मिलते हैं। तो दोस्तों से एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे ये न्यू पेज है मलक अदीम बर्ड गैलरी को, इसको लाइक और शेयर करें, ताकि जो न्यू है दोस्त हैं वो भी इस मेरे इस पेज को देखें और शौक उनका। आज जिस तरह आपके लिए दोस्तों बड़ी खसूसी टिप्स मिली हैं, अच्छे कबूतर मैंने दिखाए हैं, वो भी कबूतर दिखाए हैं कि जो कबूतर छोड़ते हैं, जिनको अंधेरे में लगाने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन अंधेरे में बैठते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।